हेलो बच्चों, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? ये जो डिनोमिनेटर में है क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स, इसको क्या लोगे? टी। तो मैं लिखूंगा लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। फिर बच्चों उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखा जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। कॉस एक्स का कितना आएगा? -sin x। फिर एक्स का कितना आएगा बच्चों? डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी टी बाई डी टी की वैल्यू 1। तो बच्चों यहां से जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -dt/sin x। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? जिस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। इंटीग्रेट किसको करना है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इतना समझ में आया बच्चों? इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, साइन एक्स को भी ऐसे लिखो। ये जो डिनोमिनेटर में है क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स, उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चों? टी। तो क्या लिखोगे? टी का स्क्वायर। और जो डीएक्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? dt/-sin x। और ये साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आया? 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू टी और डीएक्स की वैल्यू -dt/sin x। अब क्या करेंगे बच्चों? इस माइनस साइन को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन t/-2 dt। मैंने क्या करा? जो डिनोमिनेटर में उसको कहां ले गया? न्यूमिनेटर में। और पावर क्या कर दी? माइनस। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी, t/-2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? माइनस साइन को तो ऐसे लिखेंगे। और t/-2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों? t/-2+1/-2+1, साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इतना समझ में आया? अब बच्चों माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, t/-2+1 उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? t/-1। और अपॉन में भी क्या लिखेंगे? -1+c। बच्चों माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? t/-1+c या फिर 1/t+c। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि 1/1+cos x+c। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, 1/1+cos x+c। तो बच्चों आंसर को मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों 1/1+cos x+c। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या आया? 1/1+cos x+c। अब इसके बाद देखो बच्चों 32वां सवाल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+cot x dx। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों cot x को तोड़ेंगे। cot x को कैसे तोड़ सकते हैं? cos x/sin x। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों? यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1/sin x+cos x/sin x, और बाद में क्या लिखोगे बच्चों? dx। अब बच्चों साइन एक्स घूम के ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन sin x/sin x+cos x dx। यहां तक का समझ में आया? क्या करा बच्चों? सीधे cot x को एक्सपेंड करा और एलसीएम लेकर आगे को सॉल्व कराया। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 2sin x/sin x+cos x dx। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। अब 2sin x को क्या लिखा जाएगा बच्चों? sin x+sin x। ठीक है, और बाकी को ऐसे ही एज इट इज उतार देते हैं।
इतना समझ में आया। अब क्या करूंगा, एक बार मैं cos x को न्यूमरेटर में ऐड करूंगा और एक बार माइनस करूंगा, समझना। 1/2 तो ऐसे रहेगा बच्चों, sin x भी ऐसे रहेगा। एक बार cos x को ऐड करो, ठीक है, प्लस साइन एक्स को ऐसे लिखो और एक बार कॉस एक्स को माइनस करो। अपॉन नीचे क्या लिखो बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बाद में डी एक्स, समझना। इसको तो ऐसे लिखा, मतलब साइन एक्स को साइन एक्स लिखा, इस साइन एक्स को भी साइन एक्स लिखा, लेकिन साथ में एक बार कॉस एक्स को ऐड करा, एक बार कॉस एक्स को माइनस करा। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। इसका मतलब 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना समझ में आया। साथ में क्या लिखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना समझ में आया बच्चों। और इस पूरे को ब्रैकेट में रख के बाहर से क्या लिख दो, डीएक्स। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन को अंदर क्या करेंगे, बांट देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 को तो ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इतना समझ में आया। पहले इसके पास लेकर गए, अब अंदर वाले के पास ले जाते हैं, यानी कि प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। समझे बच्चों क्या हुआ, इंटीग्रेशन को एक बार इसके पास लेकर एक बार इसके पास लेकर गए, और साथ में 1/2 को भी दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना बच्चों, ये टर्म तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1. dx प्लस 1/2 को बच्चों ऐसे लिखा, और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ऑब्वियसली एक्स, 1/2 साथ में है तो इसको अपॉन 2 करके लिख देते हैं, तो इसको सॉल्व करके कितना लिखा, x/2 प्लस बच्चों 1/2 ऐसे रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहां पर को इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। अब मैं उसको साइड में लिख देता हूं, ठीक है, देखो बच्चों कैसे करेंगे। मैं लिखता हूं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको किसके बराबर ले लो बच्चों, टी के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, पहले काम करते हैं लाइन पूरी लिख लेते हैं, यानी कि d/dt ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू d/dt ऑफ टी। बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स, फिर एक्स का दोबारा करोगे तो dx/dt, फिर बच्चों कॉस एक्स का करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का दोबारा करोगे तो dx/dt। बच्चों dt/dt की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब यहां से बच्चों dx/dt को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, cos x माइनस sin x और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। तो बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन cos x माइनस sin x। इतना समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये x/2 हो गया था, ये 1/2 को ऐसे लिख दिया था, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखता हूं बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को भी ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरी की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, टी, तो बच्चों क्या लिखते हैं, अपॉन टी। और जो डीएक्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया। तो अब कैसे सॉल्व होगा बच्चों, x/2 को ऐसे लिखा प्लस 1/2 को ऐसे लिखा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो ऐसे लिखा जाएगा, अपॉन टी भी ऐसे लिखा जाएगा, डी टी को भी ऐसे लिखो, यहां से माइनस साइन को क्या ले लो, कॉमन, और अंदर क्या लिखोगे बच्चों,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इतना समझ आया। अब बच्चों ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आएगा एक्स बाई टू प्लस, बच्चों एक काम करो इस माइनस को बाहर ले आओ, तो क्या लिखोगे माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी, इतना समझ आया। अब बच्चों एक्स बाई टू को तो ऐसे ही लिखो, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों माइनस वन बाई टू ऐसे ही आएगा, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों लॉग टी, और साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या जुड़ेगा सी। अब लास्ट स्टेप बच्चों टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि जो आंसर आएगा एक्स बाई टू माइनस लॉग, सॉरी एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट प्लस सी। तो बच्चों ये क्या है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है बच्चों इसका आंसर यही है, इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, ठीक है। 33 क्वेश्चन भी बच्चों कुछ इसी प्रकार से है, हमको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स को, किसे इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स को, तो सबसे पहला स्टेप बच्चों वही होगा, इस टेन एक्स को तोड़ेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स को क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, नीचे एलसीएम लिया जाएगा, यानी कि 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या लिखोगे बच्चों कॉस एक्स, और साथ में क्या आएगा डीएक्स। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये कॉस एक्स घूम के ऊपर जाएगा, तो क्या लिखोगे कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। डिक्टो सेम स्टेप चल रहे हैं जो स्टेप पिछले सवाल में थे। अब क्या करेंगे बच्चों, ए बार टू से डिवाइड करेंगे, ए बार टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना समझ में आया। तो क्या करेंगे बच्चों, वन बाई टू को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इस टू कॉस एक्स को क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, वही स्टेप है बच्चों जो पिछले सवाल में थे, बस फर्क क्या था वहां टेन की जगह पे क्या था cot, ठीक है, और यहां टू कॉस एक्स लिखा वहां पे टू साइन एक्स था। तो बच्चों समझे, ये टू है, ये टू कॉस एक्स को क्या लिखा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और बाकी को ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, वन बाई टू तो ऐसे रहेगा बच्चों, कॉस एक्स को भी ऐसे लिखो, लेकिन एक बार क्या करो साइन एक्स को माइनस कर दो, ठीक है, प्लस कॉस एक्स को ऐसे लिखो और एक बार साइन एक्स को प्लस कर दो। मैंने क्या करा, इस कॉस एक्स को ऐसे लिखा, इस कॉस एक्स को ऐसे लिखा, एक बार साइन एक्स को माइनस कर दिया, एक बार साइन एक्स को प्लस कर दिया, और जो डिनोमेटर है यानी कि cos x माइनस sin x इसको ऐसे लिखा, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, डिनोमेटर को सेपरेट कर देंगे, यानी कि 1 बाई टू इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, बाहर से क्या आएगा बच्चों dx, ये पूरा किसमें आएगा एक ब्रैकेट में। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये cos x माइनस sin x और ये cos x माइनस sin x सीधे क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस इंटीग्रेशन को अंदर बांट दूंगा, अगर मैं इंटीग्रेशन अंदर बांटूंगा और साथ में 1 बाई टू को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 बाई टू इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस 1 बाई टू इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, समझ में आया, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इसका मतलब बच्चों 1 बाई टू तो ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x। अब मैंने इसको निकालना कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहां पर को फिर से क्या लगेगा, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लेट करता हूं जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्या cos x माइनस
साइन एक्स, इसको क्या लूंगा बच्चों पी। अब फिर से वही स्टेप, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स। एक मिनट, हाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। फिर एक्स का दोबारा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, डी एक्स बाई डी टी। फिर माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स। फिर एक्स का दोबारा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, डी एक्स बाई डी टी। और डी टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन। समझ में आया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लिखा, ये माइनस ऐसे ही आया, फिर साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स लिखा, और साथ में एक्स का दोबारा करते हुए चेन रूल के अकॉर्डिंग डी एक्स बाई डी टी दोनों में करा। अब क्या करेंगे बच्चों, डीएक्स बाई डी टी को दोनों से क्या ले लोगे, कॉमन। तो अंदर कितना बचेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इक्वल टू क्या लिखोगे, वन। तो बच्चों जो डीएक्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी, डी टी अपॉन। एक काम करते हैं, इन दोनों से माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आया, माइनस को बाहर लिया और उन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। तो बच्चों अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं, वन बाई टू को तो ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन को भी ऐसे लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को भी ऐसे लिखो, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, टी। और जो डीएक्स है इसकी वैल्यू क्या पुट करो, डी टी अपॉन माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आएगा, एक्स बाई टू माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन वन अपॉइंट टी डी टी। समझ में आया, इस माइनस को बाहर लेकर गया और इंटीग्रेशन ऐसे लिखा, वन अपॉइंट टी डी टी। तो बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग टी, और साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। एक लास्ट स्टेप सिर्फ क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग, और टी की वैल्यू कितनी बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 33। तो देखते हैं बच्चों 33 का आंसर कितना है, एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। बच्चों आंसर पूरा का पूरा सही है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। सबसे पहला स्टेप वही बच्चों क्या लगेगा, सीधे सब्स्टिट्यूशन का। हम क्या करेंगे, सीधे टेन एक्स को टी ले लेंगे। अब tan x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो जो tan x का डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, sec स्क्वायर x। पहले काम करते हैं, स्टेप पूरा लिखते हैं, यानी कि d by dt ऑफ, एक मिनट बच्चों एक कॉल आई है, देखो बच्चों क्या था, d by dt ऑफ tan x और d by dt ऑफ टी। इतना समझ आया बच्चों, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स का कितना आएगा, डीएक्स बाई डी टी। बच्चों डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, वन। अब यहां से जो डीएक्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ आया। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को वापस पहले नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन
साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इतना समझ आया। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, ये क्या आएगा अंडर रूट टी, टेन एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी टी, साइन एक्स कॉस एक्स को तो ऐसे रहने दो, लेकिन जो डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ये कॉस एक्स है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो इस कॉस एक्स से इसकी एक पावर गायब हो जाएगी, क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता था वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी अपॉन साइन एक्स सेक एक्स, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। वैसे यहां पे भी समझ गए होगे, ऊपर वाले स्टेप पे आ जाओ, हमने क्या करा कॉस एक्स को तो ऐसे लिखा, ये जो सेक स्क्वायर एक्स था इसको क्या लिख दिया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, समझ गए होगे बच्चों, कोई दिक्कत, और इससे एक टाइम से कट कर दिया। अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इतना बचा, कोई दिक्कत, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, टेन एक्स, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन रूट टी ऐसी रहेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के लिए टेन एक्स और डी टी के लिए डी टी, और टेन एक्स के लिए क्या पुट करोगे टी, तो क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी अपॉन टी डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी डी टी, इतना समझ में आया। अब बच्चों सिर्फ दो ही स्टेप बचे, ठीक है, जिससे पहला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी, अंडर रूट टी को कहां लेकर गया, रेसिप्रोकल में, और टी की पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट प्लस सी, बच्चों ये कितना आएगा, टी की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस सी, यानी कि बच्चों टू रूट टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी थी, टेन एक्स, तो हम क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टेन एक्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा, वो क्या आएगा, टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी। तो देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 34, टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी, इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 35, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, और साथ में क्या लिखना है, डी एक्स, समझ में आया बच्चों, सब्स्टिट्यूशन लगेगा सीधे, और 1 प्लस लॉग एक्स को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सीधे 0, log x का कितना होगा बच्चों 1 upon x, फिर x का दोबारा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, dx by dt, और dt by dt की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1, तो यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों x dt, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, 1 plus log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, तो बच्चों इंटीग्रेशन तो ऐसे रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे t, तो कितना आएगा बच्चों t का स्क्वायर अपॉन x को ऐसे रखो, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, x dt, तो बच्चे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt तो ऐसे रहेगा बच्चों, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t क्यूब अपॉन 3, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बच्चों लास्ट स्टेप क्या होगा, इस t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस log x, तो क्या आएगा, 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c।
बच्चों आंसर पूरा का पूरा सही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके बाद कल को बात करेंगे।